Assalamu alaikum everyone. This is Sehrish Gul or hum sub female ambassadors, female consultants, female power of enablers. Aaj phir hazir hain ek naye topic, ek naye baat ke saath, ek naye thought ke saath jo ki shayad kisi ki zindagi badal sake. To aaj ka jo topic hai wo hamara bahut hi simple sa topic hai. Ek aisa topic jo ki kisi bhi newbie ke liye bahut important hai. Wo hai कि आप पहला स्टेप कैसे ले सकते हैं. हम सब जितनी भी यहाँ हैं फोर की फोर स्टूडेंट्स जो हैं एनेबलर की जो अब किसी ना किसी मकाम पर हैं, इसी तरीके से स्क्रॉल करते करते इस ग्रुप तक पहुंची थी. पहुंचने के बाद हम भी एक ऐसी जगह पर थी जहां पर हमें नहीं पता था कि हमने पहला स्टेप कैसे लेना है. हाउ विल वी टेक अवर फर्स्ट स्टेप, हमारा पहला बिल्कुल जीरो से स्टेप क्या होगा. हमें नहीं पता था कि अमेज़न क्या होता है, हमें नहीं पता था कि वीए क्या होता है, हमें नहीं पता था कि बिजनेस किस तरीके से घर बैठे आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो ऑल टुगेदर हमने क्या किया, हम किस तरीके से अपना स्टेप लेकर आगे बढ़ी, हम लोगों ने किस किस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश किया और आज इस मकाम पर हैं कि वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल. बहुत से लोग हैं जो हमसे मुस्तफीद हो रहे हैं, जो हमसे फायदा उठा रहे हैं. वो यही चीज है कि हम नॉलेज जो ऑलरेडी ले चुके हैं हम सिर्फ उसे पास इट ऑन, वी जस्ट पासिंग इट ऑन. तो इसीलिए आज का जो हमारा लाइव है वो उन खवातीन के लिए है जो जिन्होंने अभी अभी ग्रुप ज्वाइन किया है. वो लोग ना सिर्फ खवातीन बल्कि वो लोग भी, वो मर्द भी, वो बच्चे भी जो अभी अभी ग्रुप को ज्वाइन कर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं. तो आप अपना पहला स्टेप किस तरीके से ले सकते हैं. बींग अ मदर, बींग अ हाउस वाइफ मेरे लिए कितना मुश्किल था, बींग अ हाउस वाइफ, बींग अ वर्किंग वेमेन आयशा के लिए कितना मुश्किल था, बींग अ स्टूडेंट रोशान के लिए कितना मुश्किल था, बींग अ बेटी, बींग अ इंजीनियर स्टूडेंट एंड अ लॉट देयर एक हमारे तहरीम के लिए कितना मुश्किल था. तो हम बारी बारी अपनी अपनी स्टोरीज आपके सामने डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि किस किस तरीके से आप अपनी फेलियर से सक्सेस निकाल सकते हैं. ऑफकोर्स जैसा मैं हर दफा कहती हूँ कि फेलियर से ही सक्सेस निकलती है. जहां पर आप अपना गिव अप करते हैं वहीं पर आप फेल हो जाते हैं. तो गिव अप नहीं करेंगे तो कभी फेल नहीं हो सकते. ओवर टू यू आयशा. तो आप बताइएगा आपके लिए कितना मुश्किल था ये पहला स्टेप उठाना और किस तरीके से आपने इसको पहले स्टेप को उठाया आपने. अस्सलाम वालेकुम जी सैरिश, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक ऑन द फोरम, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत सभी इस टॉपिक से खुद को रिलेट कर रहे होंगे और लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे हम इस टॉपिक से अपने आप को रिलेट कर लेते हैं. बहुत सारी जगहों पे हमने जाके पहला स्टेप उठाना होता है, रुकना नहीं होता है, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो आपने उस चेंज से जब निकल के नेक्स्ट स्टेप लेना होता है तो हम उस वक्त इसी टॉपिक से रिलेट करेंगे खुद को. और बात है ये सारी मेंटल बैरियर्स की कि हम सब कौन से मेंटल बैरियर में फंसे हुए हैं. और ये एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है क्योंकि ये हर कल्चर में होगा, हर कल्चर के मेंटल बैरियर्स फर्क होंगे. मैं ऑब्वियसली अपने नॉलेज के मुताबिक अपने कल्चर की बात कर सकती हूँ, या मेरे जैसे लोगों के मुताबिक मैं बात कर सकती हूँ कि हमारे क्या बैरियर्स होते हैं, फियर्स होते हैं. क्या फियर्स होते हैं जी? सबसे पहले तो जी फियर ऑफ फेलियर आ जाता है. नया काम करना है तो मैं बस नाकाम हो गई तो मेरा क्या बनेगा. लूज नहीं करना चाह रहे होते करंट स्ट्रक्चर को, एक जॉब है लगी हुई है, यू डोंट वांट टू लूज दैट. आप सोच रहे हो तो अच्छा नया काम करने के लिए निकलूंगी तो पता नहीं क्या बनेगा. आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो लॉस की फिक्र हो जाती है, अच्छा पता नहीं नुकसान हो जाएगा. ओवर थिंक करते रहते हैं, इतना सोचते हैं उस चीज के बारे में कि जब हम फर्स्ट स्टेप लेने जाते हैं तो वो एंग्जाइटी ही हमारी परफॉर्मेंस को खराब कर रही होती है. हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मेरी स्किल सेट इतनी इंप्रूव्ड नहीं है. मैंने जब ये स्टेप लेना था ई कॉमर्स वाला तो मेरा जो बैरियर था वो ये था कि मेरा स्किल सेट तो अभी डेवलप्ड ही नहीं है. सर साकिब पे जब आए इस्लामाबाद तो मैंने कहा सर मैं तो अपने आप को मैं तो नीम हकीम समझती हूँ, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं अभी कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. उसके वो एक ऐसी पॉइंट था जहाँ पे मैं रुकी हुई थी, ठीक है. और मुझे उस पॉइंट से निकालने के लिए आई वुड से मेरे मेंटर्स बड़े एक्टिव रहे. शायद वो लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि इस बंदे में पोटेंशियल है और सिर्फ ये स्टेप नहीं ले रहा है पहला. सो दे जस्ट स्टार्टेड गाइडिंग मी, ठीक है आना शुरू करें, आना शुरू करें. सो मैंने जो इनेबलर्स में जब जाना शुरू किया ना, वहां लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया. अपना ऑब्जर्वेशन आपको जो है वो बढ़ाना पड़ता है. लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अच्छा लोग मेरे से बाद में आ रहे हैं एंड दे हैव स्टार्टेड टेकिंग फर्स्ट स्टेप और मुझे उनकी स्किल सेट नजर आ रही है कि अभी वो लोग न्यू हैं बट दे हैव द करेज. तो मेरे अंदर वो करेज क्यों नहीं. फिर मैंने उन लोगों को देख देख के सीखा. मुझसे बहुत छोटे छोटे थे वो बच्चे जिनको देख के मुझे हो रहा था. फिर मुझे वहां से एक मोटिवेशन मिलती थी कि अच्छा यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ. देन आई टुक माई फर्स्ट फ्लाइट. सो ये बिल्कुल रिसेंट है चूंकि
इसलिए मैंने इसको कोट किया कि ये मुझसे रिलेट भी कर रहा है, इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसी होंगी खवातीन स्पेशली जो कि इससे रिलेट करेंगे खुद को कि हाँ हम भी इसी तरह में फंसी होती है कि पता नहीं शायद मैं कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि स्टार्ट वही आपकी वाली बात है कि वहां से लिया था कि पता ही नहीं था ई कॉमर्स क्या है, आप किसी और फील्ड में थे, आपको पता ही नहीं है बिजनेस कैसे करना है, आपको पता ही नहीं है अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है और किस तरह करनी है, जॉब करने वाला माइंडसेट बना हुआ है, हम उसी कल्चर से निकल के आ रहे हैं नौकरी वाला कि अच्छा कोई नौकरी दे दे, तो वो उस बैरियर को ब्रेक करना मेरे लिए बड़ा एक सबसे बड़ा स्टेप था जो मैंने लिया है, और मैं इसीलिए मैं आगे इनकरेज कर रही होती हूँ आप लोगों को कि ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग आप लोगों को जो है वो खराब करेगी, जस्ट टेक योर फर्स्ट फ्लाइट। सो अब तहरीम डेफिनेटली मजीद इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगी कि एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली वो मेरा शायद पास्ट होगा, तहरीम बिल्कुल उसको रिसेंट पे रिलेट कर सकती हैं, तो ओवर टू तहरीम नाउ। थैंक यू सो मच आयशा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली चीजों को। मैं तो वैसे ये भी बड़ा तहरीम मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। मैं तो उस दिन देख के डर गई थी कि आप माशाल्लाह इंजीनियरिंग की जो कॉम्प्लिकेटेड फील्ड से आई हैं बिजनेस में, तो एग्जैक्टली बहुत मुश्किल काम होगा ये आपके लिए कि आप कैसे ई कॉमर्स से इसमें आई हैं। तो प्लीज अपनी पहले हमें ये बताइएगा कि इंजीनियरिंग का सोचा कैसे आपने, किस देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि इंजीनियरिंग जब स्टार्ट की ऑब्वियसली उस टाइम पे यही था कि कुछ करना है लाइफ के अंदर, एयरफोर्स को ज्वाइन करने का बहुत ज्यादा शौक था कि जी एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, चलें जी एविएशन इंजीनियरिंग की तरफ साइड पे चले जाते हैं कि एट द एंड जब डिग्री कम्प्लीट होगी तो एयरफोर्स को ज्वाइन कर लूंगी। बीच में बहुत अच्छा मौका मिला पीएससी का अमरा के अंदर जाके 1.5 महीना GF-17 थंडर के ऊपर हमने काम किया, डिफरेंट रडार्स को चेक किया, सिमुलेटर्स को चेक किया, तो वो एक बड़ी डिफरेंट लाइफ थी, एक बड़ी अच्छी लाइफ भी थी, लेकिन कुछ चीजें समझ में आना शुरू हो गई कि तहरीम देख लो कि तुम्हें साइड पे जाना भी है या नहीं जाना, तो ऐसा रहा कि चले जी जाना है नहीं जाना थोड़ा सा डगमगाने वाला माहौल था। फिर एट द एंड जब हमारा आखिरी साल हुआ तो कोविड आ गया। अब कोविड के टाइम पे एक ये चीज थी कि हमारी तमाम जितनी भी क्लासेस थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी। अब जब क्लासेस आपकी ऑनलाइन शिफ्ट होती है ना, सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपका टीचर आपको जूम पे पढ़ा रहा है, टीचर आपको जूम पे पढ़ा रहा है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे होते, आपने साथ में नेटफ्लिक्स लगाया होता है, आपने साथ में कुछ और लगाया होता है, आप वो सारा दिन देख रहे होते हो। अब 1 महीना हुआ 2 महीना हुआ कि यही चल रहा है कि क्लासेस चल रही है साथ में नेटफ्लिक्स चल रहा है, अब वो देख देख के होता है कि यार अब किस तरफ जा रहा है बंदा, तो फिर एक टाइम पे रियलाइज हुआ नहीं करीम इट्स एनफ, तुम्हें अगर फ्यूचर के लिए कुछ करना है अपने तो फिर तो अपना कुछ सीधे रास्ते की तरफ जाना चाहिए। फिर नेटफ्लिक्स को छोड़ा, फिर कहा जी फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, मुझे साकिब अजहर नजर आ गए तो उनको स्क्रॉल कर करके जितना कुछ देख सकती थी सब देख लिया। फिर एट द एंड अगस्त का सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला था। अब आखिरी टाइम तक मुझे ये था कि जी इससे पहले भी मैं डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज करती रहती थी कि बस जी मुझे फीस दे दें, मैंने ये वाला कोर्स करना है, मैंने वो वाला कोर्स करना है, ये वाले काम मेरे चलते रहते थे पहले भी, डिफरेंट कोर्सेज से पहले भी कर लेती थी डिग्री के अलावा, ये डिग्री तो चल रही है उसके अलावा भी 10 चीजें करने का मुझे ऑलरेडी शौक है। फिर हुआ कुछ यूं कि उससे पिछला जो मैंने कोर्स किया था उसमें सिनेरियो ये था कि मैंने उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी, कोई काम नहीं किया था, अब मुझे था कि मुझे इस कोर्स में तो एडमिशन नहीं मिलने लगा कि मुझे बोलेंगे तुमने पिछले कोर्स में क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन फिर भी जब आखिरी डे था कि जी आखिरी डे रजिस्ट्रेशन का, मेरा दिल था कि फुल करवानी है, करवाऊं ना करवाऊं, मेरा खुद का ये वाला सीन था। फिर एट द एंड जी करवा दी रजिस्ट्रेशन, तो एक जो बहुत मशहूर कोट है कि यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ, तो वो दिन मेरे साथ वो वाला था कि जी कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ मेरे लिए, कि जी एक तरफ मेरी अवियोनिक्स इंजीनियरिंग चल रही है, दूसरी तरफ मैं ई कॉमर्स पे काम कर रही हूँ, तीसरी तरफ मेरे कुछ इंडस्ट्री के साथ प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनके साथ मिलकर मैं ड्रोन्स बना रही थी, तो ये सारे काम चलते चलते कुछ ना कुछ होते हुए एक पॉइंट आया कि रियलाइज हुआ कि जी जो लाइफस्टाइल मैं चाहती हूँ वो एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट या इंजीनियर जैसे मैं पास आउट होती हूँ, तो मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे बहुत सारी जगह से ऑफर आई हुई थी, ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियर थी, मैं जिस इंडस्ट्री के साथ काम करी थी मुझे वहां से ऑफर थी, मैं जिस यूनिवर्सिटी में थी मुझे वहां तक से ऑफर थी, बट स्टिल मुझे जो चीज एक्साइट किया वो ई कॉमर्स ने किया, एक्साइट किया, फिर बहुत चीजें अच्छी लगी, और जब कदम से कदम बढ़ाती गई सिर्फ पाकिस्तानियों पे रिलाय नहीं किया, जितने मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स नजर आई, जितनी जगह नजर आई, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबसे लर्न किया, तो बस वो एक इनिशिएटिव लेता है बंदा डर रहा होता है, तो मेरे सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे
जो अभी यूनिवर्सिटी के बीच में होंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी और मेरे वाले ही काम कर रहे होंगे, कि सामने एक तरफ जूम चल रहा है, दूसरी जगह पे फेसबुक चल रही है, ये सारे काम सब करते हैं, तो बस इनिशिएट करें, खेलते खेलते हंसते खेलते आप ज्वाइन करें, सीखे चीजों को, और हैप्पी लर्निंग वाला हिसाब है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओवर टू यू रोशन. एग्जैक्टली. अब जैसे आयशा ने जैसा आयशा ने बताया कि मेरे से छोटे छोटे बच्चे भी वहां काम कर रहे थे, तो हमारे दरमियान भी एक माशाल्लाह एक लड़की ऐसी हैं जो बिल्कुल एक यंग लड़की हैं, यंग जनरेशन से ताल्लुक रखती हैं, तो हम आपसे बात करेंगे रोशन, कि आपके लिए पहला स्टेप कितना मुश्किल था, क्या मतलब आपको किस तरीके से इस चीज को करना पड़ा, अपने फर्स्ट स्टेप किस तरीके से लिया? अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप लेने से पहले मैं थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले लिए थे अपने करियर को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर. मैट्रिक मैंने शायद बायो में किया था, इंटर मैंने इंजीनियरिंग में कर ली, उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस में आ गई. तो ये तीनों चीज़ें जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट थी, लाइक पहले बायो, फिर इंजीनियरिंग और साथ ही कंप्यूटर साइंस. तो ये जो तीन फैसले थे ना, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे गलत फैसले थे. लेकिन उसके बाद जब मैंने कॉन्टेंट राइटिंग स्टार्ट की, बिकॉज यू नो लिटरेचर में मेरा स्टार्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैंने फाइवर पे काम किया अपने एक टीममेट के साथ, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा काम किया मैंने हर टाइप की, यू नो काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम्स, लेटर्स, एप्लीकेशंस, रिसर्च पेपर्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैंने मिस करवाई हो, मैंने सब पे काम किया. एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारी गिग्स जो थी वो फाइवर पे रैंक नहीं थी, उसके बाद वहाँ से मेरा जो है ना एग्जाम स्टार्ट हुआ. अब वहाँ से ये चीज़ थी, या तो मैं उसको दोबारा परस्यू कर लेती या मैं उसको बिल्कुल छोड़कर और एक नई फील्ड की तरफ चली जाती. तो मेरे मेट ने मुझे बताया कि लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी थी, उसके बाद हम लर्निंग में शुरू से ही फास्ट थे, तो उसने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं, हम अपनी फील्ड ही चेंज कर लेते हैं. That was a very, you know, a kind of tough decision for me, कि एक चीज जिसमें मैं expert बन रही थी, हर kind of letters मैं लिख लेती थी, हर kind of application मैं लिख लेती थी, essays, कोई ऐसा नहीं होगा foreign students के लिए जो मुझसे ना लिखा गया हो. तो वो एक टाइम था कि मैं जिस चीज में एक्सपर्ट बन रही थी, मैं उसको बिल्कुल छोड़ती और एक बिल्कुल ही न्यू फील्ड की तरफ चली जाती. खैर, मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं क्या करूंगी, व्हाट वुड बी द इनिशिएटिव, क्योंकि मैं शुरू से ही सेल्फ डिपेंडेंट वुमन रही हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं क्विकली अर्न कर लूँ, मैं पैसे जल्दी कमा लूँ. बिकॉज अगर वन मंथ मैं पैसे अर्न नहीं कर रही, तो मुझे अपने सर पे बर्डन फील होता है कि यार नहीं, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. फिर मैंने कहा ओके फाइन, कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा, इफ नहीं होगा आई कैन गेट बैक टू माई सेम रूटीन. पर वो प्लान बी मैं नहीं परस्यू करना चाहती थी, मैं अपने प्लान ए पर ही रहना चाहती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी. सो इन द मीनवाइल क्वारंटीन टाइम के अंदर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, मैंने इनेबलर्स की काफी ज्यादा पोस्ट को देखती रही, फ्री वीडियोस को देखा, समझने की कोशिश की कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और फिर मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे वो सारे मैंने कोर्स में एनरोल कर लिया जाके. तो उसके बाद इवन दो कि अभी मेरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं था हुआ, एंड आई स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स, और मुझे पहला क्लाइंट मेरे इवन मेंटोर ने दे दिया, ही वाज कासिम, उन्होंने मुझे पहला जो है वो क्लाइंट दिया था. सो यू नो इट्स अ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर मी कि अभी मेरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था. तो दैट वाज जस्ट वन स्टेप एंड वन वाइज डिसीजन. इतने ज्यादा गलत डिसीजन मैंने अपनी जिंदगी में ऑलरेडी ले चुके थे, लेकिन ये वाला डिसीजन तो था, दैट वाज यू नो अ काइंड ऑफ वेरी फ्रूटफुल डिसीजन फॉर मी. सो यस, पहला स्टेप मेरा इस तरह था कि मैंने उस चीज को बिल्कुल क्विट किया और एक बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट जो है ना फील्ड, उसकी तरफ मैंने अपने आप को परस्यू किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फील माय सेल्फ सक्सेसफुल राइट नाउ. आपके लिए जो है काफी गुंजलों वाला था सारा ये सब जो आपने परसू किया, लेकिन जब when the end is well, all is well. तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि मेरा फर्स्ट स्टेप दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बिकॉज तीन बच्चों के साथ मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था कि मैं अपनी जूरी सेल करूं या मैं अपनी एसेट्स को सेल करके और फिर मैं अपना पीएल करूं. मेरा मकसद भी यही था कि किसके पैसे ना डुबाऊं, लाइक मैं अपने ही पैसे डुबाऊं अगर डूबे तो. लेकिन एक बात है कि एक एग्जांपल को सेट करना बहुत है, तो हम मैं आप लोगों को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगी कि आप सब ने एक एग्जांपल सेट की है, आप सब के पीछे लोग चल रहे हैं, तो जहां पे लोग चल रहे होते हैं वो लोग जो है वो सबसे ज्यादा खुश नसीब होते हैं, और आप अपने आप को माशाल्लाह खुश नसीब गर्दाना करें कि आपके लिए पहला स्टेप जो था वो मुश्किल तो था लेकिन आप उसको सर कर गए. हमारे यहाँ यहाँ हमारे पे पास इस वक्त बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है, बहुत सारी खवातीन ऐसी जिनके लिए वो पहला स्टेप ही बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए आप क्या नसीहत करेंगी? बारी बारी मैं सबके पास आती हूँ,
में पहले तहरीम आपके पास, फिर आयशा आपके पास, फिर वशान आपके पास, तो आप क्या नसीहत करेंगी, क्या एडवाइस करेंगी कि अगर कोई खातून आपके जैसी हैं तो वो पहला स्टेप लेने के लिए सबसे पहले क्या करें? मैं समझती हूँ कर गुजरे, पास हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो लर्निंग हो जाएगी, कोई ऐसा मुश्किल चीज तो है नहीं, बस ट्राई करते रहें। आप 10 तरह की चीजों को ट्राई करेंगे, कोई एक तो क्लिक कर ही जाएगी, लेकिन अगर सोचते रहे करूं ना करूं उस चक्कर में कहीं पर भी बंदा नहीं जाने लगा, तो बस कोशिश करें, ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, अगले स्टेप की तरफ चले जाएं। आई थिंक इट्स माय फिलॉसफी। ओवर टू यू आयशा। एग्जैक्टली, तो आयशा आप क्या प्रेफर करती है, VA करना चाहिए या PL या होलसेल, क्या ख्याल है आपका, सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए खातून का कि वो अगर करना चाहती है, बिजनेस माइंडेड है या एक सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहती है, तो किस किस तरीके से वो उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं, आप बताइएगा। PL और होलसेल के लिए रोशन की तरफ हम जाकर VA के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये फील्ड्स है सरिश, मेरे हिसाब से तो ये है कि डेफिनेटली हर खातून ने अपने हिसाब से इस चीज को एनालाइज करना है, उसने अपने फंड्स, अपनी इन्वेस्टमेंट को देख के और अपनी स्किल लेवल को देखते हुए उसने ये चीज डिसाइड करनी है। बहुत सारी खवातीन है जो डायरेक्टली प्राइवेट लेवल से ही अपना जर्नी स्टार्ट करती है बिकॉज दे हैव दिस करेज और उनके पास इन्वेस्टमेंट लेवल इतना होता है और उन्हें पता होता है कि ठीक है, मैं इतनी स्किल सेट भी अपनी डेवलप कर लूंगी और मैं अपने साथ शायद 2-3 लोगों को भी अटैच कर सकती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए भी वसीला बन जाऊं। सो दैट इज वन काइंड ऑफ ग्रुप जो होगा। इसी तरह जो लोग समझते हैं कि मैं नहीं, होलसेल से मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उस तरह ये तो ऑल डिपेंड्स ऑन दी माइंडसेट। लेकिन असल चीज है कि आपने अपने बैरियर्स को ओवरकम करना, अगर आपको फियर ऑफ फेलियर है तो उसको ओवरकम करें। और जो रुशान वाली चीज जिसे मैं एक पॉइंट ले रही हूँ कि गलत डिसीजन लेने से क्यों घबराते हैं, गलत डिसीजन हो जाएगा तो वो तो एक पहली सीढ़ी होगी ना टूवर्ड्स सक्सेस, तो उससे घबराना नहीं है। She took lot of decisions. मैं उसको courageous समझती हूँ कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो उसने लाइफ में कभी घबराई नहीं है। एक डिसीजन है, ठीक है, गलत हो गया, सो वॉट, शी डिड नॉट गेट एनी फियर कि वो अगला स्टेप ले ले, अगला स्टेप फिर गलत हो गया, सो वॉट, क्या उसने फैसले करने छोड़ दिए, नहीं छोड़े, ठीक है। सो अल्टीमेटली आप वो लेडर ही होती है, वो आपकी वो सीढ़ियां होती हैं जो हर बंदा तय कर रहा होता है, वो गलत फैसला नहीं होता, दैट इज वन लेडर फॉर मी, वन स्टेप ऑफ दैट लेडर फॉर मी। सो आप बस उसको ओवर करते रहे, काम करें, tiny steps लेते जाएं and you'll be successful inshallah। आपकी बात पे मुझे एक शेर याद आया है, वो है कि तो रोशन आप बताएं कैसे कैसे आप बताएंगी कि VA की जो अगर कोई सर्विस देना चाहते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है? मैं पीओ की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी कि फर्स्ट स्टेप इंटायरली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, दिस इज ई कॉमर्स फील्ड और वी हैव अमेज़न, दराज, ईबे, एटसी, लेकिन इससे पहले भी हमें अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉन्टेंट राइटर थी तो मैंने जब अमेज़न को एक्सप्लोर किया था तो मेरी सबसे जो एटमोस्ट चीज थी ना वो यही थी कि मैं अमेजोन की कॉपी राइटिंग में जाऊँ। मैंने जिस चीज की सबसे पहले प्रैक्टिस की थी वो ही अमेजोन की कॉपी राइटिंग थी, बिकॉज दैट वॉज समथिंग जिसको मैं कोरिलेट कर सकती थी अपने एग्जिस्टिंग स्किल के साथ। तो शॉर्ट सा मैसेज मैं सबको ये दूंगी कि अपने फर्स्ट स्टेप को अपनी ई कॉमर्स की फील्ड, जो मैं हमेशा यही बात करती हूँ, कनेक्ट करें चीजों को। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इफ यू थिंक यू हैव इन्वेस्टमेंट फॉर लाइक 10,000, 20,000, 50,000, यू कैन गो फॉर दराज। आप दराज में अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यू कैन टेक अ सिंगल स्टेप एंड यू कैन यू नो स्टार्ट योर बिजनेस ऑन दराज। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही हैं, आप समझती हैं कि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप अमेज़न की वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रही हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप है ना आपके लिए, डोंट एवर एनरोल योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ कोर्स। कोर्स में अपने आप को तब तक एनरोल नहीं करना जब तक आपके पास उस चीज की बेसिक स्टडी नहीं है। हमारा ग्रुप जो है इनेबलर्स का, दैट इज फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइक हर टाइप की इन्फॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है। आप EVS में भी ना जाएं, सिर्फ ग्रुप के सर्च इंजन में लिखें ना कि व्हाट द वर्चुअल असिस्टेंट इज और प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, वो सिर्फ एक सर्च इंजन के अंदर क्यूरी टाइप करना इज योर फर्स्ट स्टेप। पहले समझना यह है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, लोगों ने वर्चुअल असिस्टेंट को एक काइंड ऑफ यू नो प्रोफेशनल बना लिया, आर यू VA, और उनको ये भी नहीं पता कि वर्चुअल असिस्टेंट इज अ काइंड ऑफ असिस्टेंट दैट इज वर्किंग वर्चुअली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सिर्फ ये उसका काम है, ये मतलब इसका ये नहीं है कि वो सिर्फ अमेजोन का ही होगा। आप किसी चीज के भी वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आपने पहली स्टेप यह है कि अगर आप अमेज़न में जाना चाह रहे हैं, आप ईबे में जाना चाह रहे हैं, आप एटसी में जाना चाह रहे हैं,
एक्सप्लोर फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चीजों पे एक्सप्लोर करें, इनको देखें, सिर्फ अमेजोन पे मत रुकें. हो सकता है कि अमेजोन पे आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू बिकम एवीए ऑफ अमेजोन. यू डोंट हैव टू डू दिस. एटसी को भी एक्सप्लोर करें, ईबी को भी एक्सप्लोर करें, एंड देन सी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर आकर स्टैंड करता है. वेयर यू स्टैंड, वेयर यू सी कि यार हाँ मेरा जो करंट नॉलेज था ना वो इस एग्जिस्टिंग फील्ड के साथ मैच कर रहा है. आई कैन रॉक इन दिस फील्ड, आई कैन एक्सेल दिस फील्ड. जब आपका ये वाला एटीट्यूड होगा ना कि आपको चीजों की समझ आ रही है, आपको काम करने में मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे होते हैं, वी हैव डन द थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए क्या करें. मेरा उनसे अगला सवाल होता है कि आपने चीजों पर थ्योरेटिकल पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियोज देख ली है, क्या आपने कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग की है? एंड दे से वी डोंट हैव क्लाइंट. और मेरा उनको ये सजेशन होता है क्लाइंट नहीं है तो क्या हुआ, आप कोई भी एक प्रोडक्ट निकाल के उसके स्टैट्स तो निकाले, काम तो करना स्टार्ट करें. तो इट्स यू नो, आप जब तक अपने आप को हसलिंग स्टेज के अंदर रखेंगे, जब तक अपने आप को माइंड को फ्रीज नहीं बिठा लेंगे कि दिस इज नॉट गोना हैपन, यू आर नॉट गोना एक्सेल दैट फील्ड. सो कंक्लूड करती हूँ, मैं यही कहूंगी फर्स्ट स्टेप लेने के लिए कि एक्सप्लोर द फील्ड. अगर अमेजोन में जाना है उसको एक्सप्लोर करें, ईबे में जाना है उसको एक्सप्लोर करें, एटसी में जाना है उसको एक्सप्लोर करें. चीजों को एक्सप्लोर करें, उनको अपने करंट नॉलेज के साथ जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करें, और वही काम करें जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि यू कैन एक्सेल द फील्ड. तो ऑब्वियसली आपकी जो फियर्स है ना वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मी टुडे. ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इस चीज को. हाँ, यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो इनेबलर्स है, हमारी इनेबलर है वो ख्वातीन को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, ख्वातीन के हक में बहुत ज्यादा कुछ करती है. तो आप क्या कर सकते हैं, आप EVS के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हाउस वाइफ आप एक एप्लीकेशन लिखे और उसके बाद EVS के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कीजिए. इंशाल्लाह जो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है EVS की एक्सेस ग्रांट की जाती है. सो आज का लेक्चर आज का लाइव सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं. आज का टॉपिक बहुत मजेदार था. इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत मजेदार था क्योंकि मैंने जब पहला स्टेप लिया था, मेरी छोटी सी 6 महीने की बेटी थी और मेरे ये बहुत मुश्किल था, मैं उसको छोड़कर घर पर और लर्निंग प्रोसेस के लिए जाती. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखे होते हैं, जो आपको खुद ब खुद आपके हाथों से हो जाते हैं. जैसा कि आयशा के हाथ में हुआ, जो पहले किसी और कंपनी में काम कर रही थी और वो अचानक से इस फील्ड में आई. जैसा कि रोशान के साथ हुआ, वो राइटिंग की फील्ड में थी और फिर अचानक से उनको ये फील्ड जो है वो अट्रैक्ट किया, और जिस मकसद के लिए वो आई वो कहीं पीछे, राइटिंग का मकसद कहीं पीछे रह गया और अमेजोन उनका मकसद मेन मकसद बन गया. एंड तहरीन जो है वो एविएशन में कहीं ड्रोन वगैरह बना रही थी और राइट नाउ वो अब अमेजोन से माशाल्लाह पैसे बना रही हैं. तो ऑल टुगेदर हम कहीं ना कहीं थे, लेकिन हमारे नसीब में था कि हमने ई कॉमर्स में आगे फील्ड में प्रोसीड करना है. और ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इनेबलर. और यहाँ पर जितने भी फीमेल्स हैं, मेरा यही उनसे सजेशन है कि वी हैव सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से फर्दर एक्सप्लोर कर सकती हैं, वीडियोज एक्सप्लोर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए. बिलीव मी देयर इज नो चार्ज ऑफ क्वेश्चन, कहीं पर भी क्वेश्चन के कोई चार्जेस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है. सो यू कैन गो अहेड. इसी के साथ हम आज का लाइव सेशन खत्म करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे ताकि आप लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें. टिल देन अल्लाह हाफिज़.